श्री गुरु ग्रंथ साहिब हमारे सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र शरण में जुड़ बैठे गुरु की साजी नवाजी गुरु प्यारी सतसंगत वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आपां सन्मुख हो के दर्शन कर रहे से जिन्हां गुरमुखां ने गुरु की मत नूं धारण करदे होया अपने मूल सच निरंकार की पहचान की है। उन्होंने मुख दे विचों प्रगट हो रहा शब्द उस दे नाल प्यार पा के ते लगातार उस नाम अते सच दे नाल जुड़न वास्ते गुरु दे मंत्र दा जो अभ्यास कीता है गुरु वल्लों बख्शिश प्राप्त हुई है। क्योंकि मारे सच्चे पातशाह बाणी दे अंदर फरमान करदे ने कि संसार दे विच जदों आपां विचरना है पहला असी अपने मन का बोध आप करना है। प्रथमे मन प्रबुद्ध हो अपना पाशे अवर जाओ। आप असी गुरु के मंत्र नूं जपदे होया शब्द की कमाई करदे होया आप उस मार्ग ते चलना ते फिर दूसरे नूं दसना है। असी आप भी मुक्त होना है ते जेड़ा कोई संग करदा उसनों भी मुक्ति दा जेड़ा मार्ग है वह दसना है। उस वास्ते गुरमुखा ने अपने मन नूं इस रस्ते दे उपर तोरिया जिसनों संत मार्ग कहिंदे ने। वकारां नूं छड्डिया है बंधना नूं तोड़िया है जिसनों मार्ग कहिंदे संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। वड्डियां भागां वाले बने ने कि इस मार्ग के उपर चले ने। जदों मन इस मार्ग के उपर चलता है उहदी ड्यूटी हुंदी है। संत जदों धर्म नूं दृढ़ करदा ते महाराज फरमाउंदे ने साजन संत करो इह काम आन त्याग जपो हर नाम सिमरो सिमर सिमर सुख पावो आप जप आवरे नाम जपाओ। संत ने आप भी लिबदे रस्ते ते चलना है ते दूसरे नूं भी प्रेम दे लिबदे मार्ग दे उपर तोड़ना है। जेड़ा मार्ग मन साडा भुल चुका है उत्थे फिर गुरु उन्हां गुरमुखां दी ड्यूटी लाउंदा ते समझाउण वास्ते भी जिस मार्ग नूं असीं भुल चुके हाँ उस मार्ग के उपर साडे मन नूं तोरिया जा सके। क्योंकि जे असीं मन करके उस मार्ग नूं भुल्ले रहिंदे हाँ कोई साडी मदद नहीं करदा ते आखर असीं अपने जीवन की बाजी हार जांदे हाँ। इस करके जिहड़े गुरमुख ने संत ने वो आप मार्ग ते चलदे होए ब्रह्म विद्या प्राप्त करदे ने ते दूसरियां नूं उस मार्ग ते तोरन वास्ते उस विद्या का फैलाव करदे ने। जिस तरह गुरमुख संगत विच आके आप सिखदे हाँ इस तरह गुरमुखां ने यह विद्या जिहड़ी इस नूं प्राप्त किया है ते इस नूं हुण संसार दे विच जिहड़े जीव भुल्ले ने उन्हां नूं दसना है। तां महाराज फरमाउंदे ने विद्या विचारी तां पर उपकारी। जे लिबदे रस्ते का प्रचार संसार विच होएगा ते सब तो वड्डा पर उपकार यह हुंदा है। जीव अपनी मर्जी दे नाल पर उपकार करदे ने
अपनी मत नाल कोशिश करते हैं किसी का भला करन दी, पर जाने अणजाने दे विच ओ भला नहीं हुंदा, उन्हें होर रस्ते तोर देंदे ने। इस करके महाराज कहिंदे ने सब तो भला उदम किहड़ा है, भला काम किहड़ा है, जिहड़े गुरमुख इस ब्रह्म विद्या का प्रचार करते हैं। इहनूं महाराज कहिंदे ने दूसरे दे उपर दया करनी, ते गुरु दी शरण विच आ के जदों सच नूं नाम नूं दृढ़ करदे ने उहनां नूं सच्ची सिक्ख्या मिलदी है। ते उह सच्ची सिक्ख्या की हुंदी है? सच तां पर जाणी है जा सिख सच्ची ले, दया जाने जी की किछ पुन दान करे। जदों मालिक कृपा करता है वह कहिंदा हुण इह दया करनी है, जो तुसी मेहनत कीती है, जिस मार्ग ते तुसी चले हो, हुण दूसरे नूं इस मार्ग ते चलाउण वास्ते मदद करनी है। ते किस तरह दया करनी है? दूसरे नूं नाम जपाउणा है, उहनूं मन दा भेद देना है, उन्हों दसना कि असली माता पिता साडा निरंकार है, परमात्मा है। ते जे तुसी निरंकार दे नाल जुड़ोगे ते ओ तुहानू खुराक देगा, अमृत रस देगा। ये सब तो वड्डी संसार दे विच दया है, सब तो वड्डा पुन दा कम है। इस वास्ते जिहड़े गुरमुख इस सेवा दे विच लगना चाहुंदे ने वो गुरु नूं समर्पण हुंदे ने, ते जदों गुरु नूं समर्पण हुंदे ते गुरु उन्हां नूं हुक्म करदा है कि तुसीं ये सेवा कर सकते हो, इस मार्ग ते चल सकते हो, ते आप ते दूसरे नूं तुसीं इत्थे तोर सकते हो। ऐसी अवस्था विच गुरु फिर बख्शिश करदा है, हुक्म दिंदा है, ते ओ कहिंदा है कि हुण तुसीं इह कहानी सारिआं नूं सुणाउणी है, किवें तुसीं देखिआ है, किवें तुसीं उहनूं सुणिआ है, ते किस तरहां अगे चल सकदे हां, इह सारी दसणी है। ते महाराज कहिंदे ने हर हर कथा सुणावो मेरे गुरसिखो, मेरे हर प्रभ की अकथ कहानी क्यों पाई है, क्यों देखी है, मेरा हर प्रभ सुगड़ सजानी। के दसना है कि उस हरी नूं किवें मिलिया जा सकता है, किवें देखिया जा सकता है, ते किस तरह उहदे नाल प्यार पा सकते हैं। वह फिर गुरमुखां दी ड्यूटी है कि संसार नूं दसना, क्योंकि आपां सारे विछड़े हुए हैं, ते जे हुण सानूं दसेगा तां भेद आएगा। ते मारे कहिंदे ने उह फिर आपां नूं समझाउंदे ने, उह मन दी जिहड़ी कहानी ने सुणाउंदे ने कि किस तरह मिलिया जा सकता है, किन बिद मिलीए, किन बिद विछड़े, ये बिद कौन प्रगटाए जीओ। मारे कहिंदे ने मनमुख विछड़े, गुरमुख मिलीए, गुरमुख ये बिद प्रगटाए जी। जदों प्रगट हो जाता है रस्ता भी असी सारे माया के घर विच बैठे, जिसनों मिलना है वह चौथे पद विच वसदा है, उन्होंने रस्ता दस दिता। जिसनों मिलने वास्ते कोशिश करते उहदा कोई रूप रंग रेख पेख चकर चेन वर्ण जात पात नहीं है, वह तो प्रकाश रूप है, अरूप रेख ते न्यारा है। तो उसनों किवें मिल सकते हैं, किवें देख सकते हैं? अंग संग है, नेड़े है, सतगुर मेरा सदा दिसे शब्द कमाए। उन्होंने फिर अगे इस शब्द की कमाई करवानी होंदी है। आओ किस तरह जपाउणा है, आपां नूं जिन्ना पता दसना
इन्हां भी संसार विच आ के अगे भेज देना है। आओ सारे रल के आपां सांझ पाईए, मन नूं लिभदे रस्ते ते तोरन दा यतन करिए, तां जो असीं भी इस सेवा दे विच अगे हिस्सा पा सकीए, क्योंकि संसार विच सब तो वड्डी इह सेवा है। इस नूं मर कहिंदे ने ऐसी सेवक जिहड़ा है उहनूं सेवा मालक बख्शिश करदा है। किनों बख्शिश करता है? सेवक को सेवा बन आई, हुक्म अंबूज परम पद पाई। जेड़ा अंदर चल रहा हुक्म है, नाम उसनु बुझ लेंदा है, गुरु दे राही सन्मुख हो जाता है, मालक उन्हों चुन के फिर सेवा ते लाउंदा है। वो फिर संसार विच सेवा करदे ने, ते केड़ी सेवा है? गुर सेवा, गुर शब्द विचार। शब्द ही विचार दसते, आप जपते, दूजियां नूं जपाउंदे, इस संसार में चल फिर के सेवा करते हैं। ये सेवा करन वास्ते संसार दे विच प्रचार अगे बहुत चल रहा है। हुण जिवें जिवें मालक कृपा करते तिवें तिवें जीव कोशिश करते हैं। चलदिया चलदिया जदों सही दा मार्ग आउंदा है, उत्थे कई दफा जिहड़े जीव ने वो रस्ता बदल जाते हैं। इस करके इत्थे विचार की गई है, इस प्रचार को बड़े निजमबंद तरीके दे नाल करन वास्ते भी केवल तो केवल गुरबाणी का प्रचार गुरबाणी द्वारा ही प्रैक्टिकल अगे करवाया जा सके, किया जा सके। उहदे वास्ते गुरमुखा ने एक कमेटी जिहड़ी है वो नियुक्त की है, जिस दे संपर्क दे विच सारे गुरमुख आ के उस प्रचार नूं अगे तोरन दे विच अपना योगदान हिस्सा पा सकदे ने। जिन्हां इलाकियां दे विच गुरमुख इस खेल नूं समझ रहे ने, ते उन्हां दे विच गुरमुखां नूं नियुक्त किया गया है। जिस चंडीगढ़ दे विच भाई तजिंदर सिंह जी अपने संजोगी साथियों के नाल रह के इस ब्रह्म का जिहड़ा प्रचार है उन्हों अगे लैके चलेंगे। इस तरह मुक्तसर जिले के भाई स्वरण सिंह जी ये जिहड़ा प्रचार है इनू आप और नाल गुरमुखां दे सहयोग नाल करनगे। लुधियाना जिहड़ा शहर है जिस विच गुरमुख अभ्यास करदे ने, उत्थे भाई धनवंत सिंह जी उन्होंने नाल विचार करके प्रचार जिहड़ा है अगे करना है। इस तरह गुरदासपुर इलाके दे विच भाई हीरा सिंह जी नाल संजोगियों नूं लैके प्रचार करनगे। इस तरह इस अमृतसर शहर दे विच भाई रेशम सिंह जी संजोगी इलाके दे प्रचारक नियुक्त करके उत्थे प्रचार करनगे। और तरन तारण इलाके दे विच भाई निर्मल सिंह जी उस सहयोगियों के नाल रल के प्रचार की रूपरेखा तैयार करनगे, तां जो यह जिहड़ा प्रचार है एक निजमबंद तरीके नाल कीता जा सके। आप मुहारा जिहड़ा प्रचार है वह ऐसी अवस्था विच ना जाए कि जिहड़ा जीव है जो मुख विच आया उस तरह अगे दसे, क्योंकि देखण विच आया है। गुरमुख जदों संपर्क करते ने, अजकल यूट्यूब दे उपर जदों देखते ने, उतों देख के कई ध्यान लाना शुरू कर देंगे, जाप करना शुरू कर देंगे। हुण भेद ना होण करके जदों ऐसा ध्यान कई लाउंदे, वो ध्यान जिहड़ा है उल्ट जाता है, जिस करके उन्हां दा संतुलन विगड़ जाता है, ते कई डिप्रैशन में चले जाते हैं, बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जा मैंटली रिटार्ड हो जाते हैं। आम ही सानू फोन आते रहते हैं भी सानू नींद नहीं आती, ध्यान गलत लग गया, इस तरह हो गया। उस अवस्था दे विच ये गुरमुख जो प्रचार करनगे ये उन्ना ही पे देंगे उस सिलेबस नूं वंड करके जिन्नी कि जीव नूं लोड़ है।
ਜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਆਇਆ ਹੈ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਉੱਪਰ ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਧਿਆਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਮੰਤਰ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਦਫਾ ਗੰਧਰਵ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੰਧਰਵ ਨਗਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗ ਸਿਰਫ ਤਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਿਯਮਬੰਧ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੇਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 'ਤੇ ਭੁੱਲਿਆਂ
व्यापन सबे रोग बेमुख होए राम ते लगन जन्म जोग। ते अपनी ड्यूटी है कि असी घरां दे विच जाके गुरबाणी का जिहड़ा संदेश है वह चेता कराउणा है, दसना है कि अपना मूल ब्रह्म है, अपना मूल सच है, असी सच नालों ब्रह्म नालों विछड़ चुके हाँ। जीवां दे अंदर तड़प पैदा करनी है, तो जदों अंदर वराग पैदा हुंदा, तड़प पैदा हुंदी, तो फिर गुरु की शरण विच आके जीव आपा समर्पण करता है। सो ये नाल नाल प्रचार की लहर चलेगी, नाल नाल आपां संजोग करना है कि असी भी इस सेवा के उपर हाजिर हो सकीए। आओ सारे अपने मन नूं उस मार्ग ते तोरीए, सही दे मार्ग ते तोरीए, अपने मन नूं उस अवस्था विच लै के चलीए, फिर आपां नाल अकथ दी विचार जिहड़ी है उह सरवण करदे हां। इह संदेश है तुहाडे वास्ते, सारे वास्ते अपने मन विच वसाउणा है। आओ सारे जने रल के शब्द अते सुरत दे अभ्यास नाल जुड़ो। वाहिगुरु, वाहिगुरु। गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दा जिन्ना भी उपदेश है सारा मन नूं कीता जा रहा है। मारे समझाउंदे ने कि वार वार ये जिहड़ा मन है ये आकार बदलता है, आकार बदलदिया बदलदिया इनू बड़ा लम्मा समा हो गया है। आकार बदलता है, दूसरे आकार विच चला जाता है, पर यह अपने घर की पहचान नहीं करता, अपने घर नहीं जाता। ऐसी अवस्था जदों संत गुरमुख देखते ने, जिन्हां ने अपने घर नूं लभ्या हुंदा है, जदों देखते ने कि मन अपने घर जाण दी बजाए दूसरे दे घर भी तुरिया फिरदा है, कई जन्म हो गए ने, ते ओ फिर इहदे दा भला करन वास्ते, इहनूं दसण वास्ते ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੈ ਹਰ ਥਾਈਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਸਰੇ ਆਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਗਨ ਹੈ, ਪਤਾਲ ਗਗਨ ਹੈ, चौदिस गगन रहाए ले, आनंद मूल सदा परखोतम, काट बिन से गगन न जाए ले, मोहे बराग पयो ए जी आयो कहाँ गयो। वांदने जो निरंकार परमात्मा सारे पासे ही है, सामने है, ये मन जदों तो सच विचों प्रगट होया उहदे विच समाउण दी बजाए आकारां विच तुरिया फिरदा है। जदों ये शरीर छड जांदा सच विच नहीं समाउंदा, किसे ना किसे आकार विच चला जांदा है। इस तरह करदिआं करदिआं कई युग बीत गए ने, किन्ना लम्मा सफर हो गया है। महाराज फरमान करते हैं कि लम्मा सफर हो गया, किन्ने जन्म बीत गए ने, कई जन्म पाए कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन करंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैबर बिरख जोयो। बड़ा लम्मा समा हो गया। ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾ ਜਾਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ।
ते जदों गुरमुख देखते वह वैरागी हो जाते हैं, दुखी होंगे ने। जैसा कई दफा तुसी देखे ना, कई सेवा करते हैं जिन्हों का घर घाट नहीं होंदा, जिन्हों को कपड़ा नहीं होंदा, खान नूं रोटी नहीं होंदी, फुटपाथ ते तुरे फिरते ने, उन्हां वल वेख के कई गुरमुख उन्हां दी सेवा ते लग जांदे ने। उन्हां नूं अकोमोडेशन मुहैया कराउंदे ने, घर बना के देंदे ने, भोजन की व्यवस्था कर देंदे ने, लीड़े कपड़े की व्यवस्था कर देंदे। इस तरह थां थां आश्रम खुले हुए ने, चंगी गल है। पर गुरमुख जो देखते ने वो तन तो अगे चले जाते हैं, वो मन नूं देखते हैं कि जिहड़ा मन है इन्हां दा घरों बकार तुरिया फिरदा है। मन घर नहीं जाता, मन भुखा तुरिया फिरदा है, ते मन दे उपर पहनण वास्ते कोई कपड़ा नहीं है। जदों गुरमुख देखते ने वो तरस करते हैं, वो दुखी हो जाते हैं। मर कहिंदे संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। वो जदों देखते ने मन की अवस्था भी किन्ना चिर हो गया इन्हां नूं, ये हाले घर ही नहीं गए अपने, भुखे ही तुरे फिरदे ने, नंगे ही तुरे फिरदे ने, वो फिर तरस करके उन्हां दी मदद करदे ने, उन्हां नूं दसदे ने कि तुहाडे पहनण वास्ते तुहाडे माता पिता ने नाम दा कपड़ा रख्या होया है, तुहाडे वास्ते अमृत रस दा प्रबंध कीता होया है, ते तुसीं साडी गल ध्यान नाल सुनो ते तुहानूं इह खुराक मिल सकदी है, तुहाडी भुख मिट सकदी है, तुहानूं इक थां ते टिकाणा वी मिल सकदा है। ते की कहिंदे ने, मेरे मन सतगुर के भाणे चल, अमृत पीवे निज कर वस है, तां सुख लहे महल। पांदे ने गल मेरी ध्यान नाल सुनो, तुहाडा माता पिता कोल है, किन्ने जन्म हो गए विछड़े हुए, उन्हें किन्ना सोहना घर बना के दिता है, ते तुसी घर विच आ जाओ, सुख लो, क्यों दुखी होंदे पए हो। वो फिर उन्हां दी मदद करदे ने, ते किवें मदद करदे, उन्हां नूं पहलां समझाउंदे ने, दसदे ने कि वो तुहाडे अंग संगी है, तुहाडे कोल ही है, नेड़े है, अंदर बाहर उसने घर बनाया होया है। आकाश गगन है, पताल गगन है, चौदिस गगन रहाए ले, अनंद मूल सदा परखोतम, काट बिन से गगन न जाए ले, मोहे बराग पयो ए जी आयो कहाँ गयो। वो मदद करते ने, उन्हें तुहाडे कोल है, सामने है, असीं गुरु दे राहीं देखिया है, वो कोल है, नेड़े है, आओ तुहानूं वी गुरु कोल लैके चलदे हां, तुहानूं वी घर आउण दा रस्ता जिहड़ा दसदे हां, क्योंकि तुसीं वी अपने घर विच सुख लै सकदे हो। हुण जदों देखदे ने उहनां नूं फिर समझाउंदे ने, पांदे ने किसां घर विच बैठना है, जिहदा माता पिता एडा वड्डा होवे घरों बाहर तुरिया फिरदा ते उह ही अच्छा नहीं लगदा। तां ने वेखो माता पिता किड्डा वड्डा है, करोड़ां ही ब्रह्मंडां दा मालक साडा मां प्यो है, असीं उहदे नाल प्यार पाउणा है, उस देश विच वसना। ते जे तुसीं उत्थे ना वसे, इत्थे वसदे रहे, ये तो कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा, फिर नवा धारण करना पएगा। इस तरह ते कई धारण किए। जदों वो गल सुनाउंदे ने फिर अंदर चाह पैदा होंदा है, तो की कहिंदे ने, पांदे ने जिचर वसे तिचर वसे सुहेलड़ी, जिचर साथी नाल, जां साथी उठी चलिया पी तन काकू राल,
दर्शन देखने का चाओ। हुण जदों उन्होंने गल की उस घर दी दस्या ते चाह पैदा हो गया। पांदे ने चाह अंदर पैदा हो गया, एक पासे विराग पैदा हो गया। तन सो तेरा थान, आंदे वो थान तन है जिथे वो वस रहा है, वो देश तन है जिथे मालक वस रहा है। पांदे ने हुण मेरे अंदर चाह पैदा हो गया, उन्हों देखा जिस तो मैं पैदा होया हाँ, वो किहो जिहा दिसदा है। ते जदों उन्होंने दस्या भी तुहाडे तां कोल नहीं है, सामने ही है, आई तां घर है साडा, इत्थे वसना है, पर इत्थे वसण वास्ते हुकम दे विच आउणा पएगा, क्योंकि घर बहुत नेड़े है साडा, दूर नहीं है। लेकिन मन ने कभी कोशिश नहीं की थी घर में जाने की, जदों तो आया बाहर की खोज करता पिया, कितनी खोज की थी, लब ले सत्तां समुद्रां तो पार धरतियां लब लिया, उथे वसदे लोग लब ले, उथे जाण दी काल हर वक्त बनी रहिंदी है। मैं फलाने देश चलिया हाँ, मैं फलाने देश जाना है, मैं उत्थे जाना है। कहिंदे जिहड़ा तुहाडा अपना देश है कदी उत्थे जाण बारे भी सोचा करो, कदी उत्थे बारे भी फुरना लिया करो भी मैं अपने देश भी जाना है। बाहर मुखी किन्ना क चिर भजोगे, किन्ना क चिर जाओगे, जिन्हां देशां विच जाओगे कि उत्थे लोग शरीर नहीं छड़दे, कि उत्थे लोग मरदे नहीं, मरदे ने वो कितने जाते ने मर के, उन्होंने केड़ा हाले तक अपना घर लभ लिया है, उत्थे जाके तुसी की लभ लोगे। तुसी अपने घर की खोज करो, जिथे मर्जी रहो पर अपने घर वाल भी चलो। इत्थे गुरमुख फिर ध्यान बदल दे, रस्ता बदल दे, आंदे ने अपने देश नूं भी लभो, अपना जेड़ा देश असली घर असली माता पिता है जेड़ा, ते संसार ते सारा झूठ है। आंदे काको माई काको बाप, नाम तरीक झूठे सब साक, काहे को मूर्ख पखलाया, मिल संजोग हुक्म तो आया। पीते ते सिर्फ नाम दे रिश्ते ने, नाम दी गल्लां ने, नाम दा ही शरीर है, ये शरीर भी ना दा ही है, श्वास खत्म हो गए इहदा मुल नहीं कोई पैना। कहिंदे अपने घर जाओ सुख लाओ, पता नहीं कदों श्वास खत्म हो जाने ने। ते अपने सिखां नूं महाराज बेनती करदे ने, कहिंदे नानक सुन सुखवंत है, नानक बिनवै छोड़ो माया जल। कहिंदे सिखो मेरी गल सुनो, ये माया वालों ख्याल छड़ दिओ, माया वाला भरम जिहड़ा कढ़ दिओ, ते अपने निज घर की खोज ते लग जाओ। जे निज घर नूं लब लिया ते जीवन सफल हो जाएगा, आउणा जाणा ही तुहाडा मुक जाएगा। इस वास्ते हुण आपां ध्यान देना है, ये दो चार दिनां विच जो आपां सिखिया, आपां मुड़ना है वापस निज घर वाले पासे जाना है। जे असी निज घर वाल चाले पा देंदे हाँ तो सुख ही सुख, आनंद ही आनंद है। इस वास्ते उह समझाउंदे ने, मेरे मन सतगुर के पाणे चल। हुण आपां माया दे पाणे विच नहीं चलना, माया फुरने दिंदी भजाउंदी भजाउंदी अगे तुरी जांदी है, जीव गांह दे गांह ही तुरे जांदे ने। इस करके महाराज कहिंदे आपां हुण अपने घर वाल चलना है, उस वास्ते आप कोशिश करनी है, शब्द ते सुरत का अभ्यास जारी रखना है, आप भी और बच्चों भी दूसरों भी ये जड़ा है दसना अपना असली घर केड़ा है, असली माता पिता कौन है। ये ना होवे भी असी पहचान ही ना करिए ते इधरों शरीर छड़ के ते बाद वेच पैसे दे के अरदासां कराउंदे फिरिए,
ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਿੰਨੇ 'ਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ? ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘਰ ਆਓ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਬਦਲ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਜਿੱਦ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੋਰਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਨਿੱਜ ਕਰਨੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਆਪਣਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਮੂਲ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਇੰਨਾ ਭਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, 60-70 ਸਾਲ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਡੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਲੱਕ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਕਰਿਊ ਕੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਨਕਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਖੀਰ ਉਹ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਸੀ। ਅਤੇ 84 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੌੜੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਡੰਡਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਨਿੱਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੌੜੀ ਦੇ ਡੰਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਜਿੱਦ ਕਰ ਲਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉੱਪੜ ਉੱਠ ਗਏ, ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਜਨਮ ਬੀਤ ਗਏ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਚਰਨਕਾਲ ਇਹਦੇ ਸੰਜਰੀਆ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ। ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੰਢੇ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਨਸ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂ ਤਰੰਗ 'ਤੇ ਕੰਢੇ ਲੱਗਾ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੁੱਟਾ ਕੰਢਾ। ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟੁੱਟੇ ਗੰਢੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੁੱਟੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਗੰਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸੱਚ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਰਾਤ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਖੇਲ, ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਏ। 3 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਬੈਠਾਂਗੇ। ਆਹ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।